हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, मैं हूँ मामूनी और आप देख रहे हैं मामूनी टिप्स। तो गाइस, आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक प्रोडक्ट रिव्यू, जो कि है फिलिप्स का सेल्फी हेयर स्ट्रेटनर, जिसका रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करूंगी और उसके साथ आपको डेमो भी शेयर करूंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये है फिलिप्स की सेल्फी हेयर स्ट्रेटनर, जो कि काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है। मुझे ओनली 999 रुपीज़ में ये फ्लिपकार्ट में मिला था सेल प्राइस में। और यहाँ पे आपको सेरामिक कोटेड प्लेट्स भी मिलती है, जो आपके हेयर को डैमेज होने से प्रोटेक्ट करती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। और इसकी जो क्वालिटी है स्ट्रेटनर की, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और ये काफ़ी ज़्यादा इजी है यूज़ करने के लिए, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल भी है और ट्रैवल फ्रेंडली भी है। आप कहीं पर भी इसको कैरी कर सकते हो। और यहाँ पे आपको 210 वोल्ट की टेम्परेचर मिलती है और 60 सेकंड पे ये बिल्कुल हीट भी हो जाती है। और इसकी जो वायर की क्वालिटी है, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ये देखिए, आप कहीं पर भी इसको रोटेट कर सकते हो। तो इसके प्लग की जो क्वालिटी है, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और वायर की जो लेंथ है, वो काफ़ी ज़्यादा लंबी है। सो गाइस, नाउ यू कैन सी मेरी हेयर कितनी ज़्यादा अनमैनेजेबल और फ्रीजी लग रही है। सो अभी मैं स्टार्ट करूँगी मेरी हेयर स्ट्रेटनिंग। सो लेट्स स्टार्ट। तो हेयर स्ट्रेटनिंग से पहले मैं अपने हेयर पे यूज़ करूँगी पतंजलि का एलोवेरा जेल, क्योंकि ये जो एलोवेरा जेल है, ये मेरी हेयर को हीट की डैमेज से प्रोटेक्ट करेगी। तो आप जब भी हेयर स्ट्रेटनिंग करें, उससे पहले आप थोड़ी सी एलोवेरा जेल अपने हेयर पे लगा लीजिए। और इसके बाद मैं अपने हेयर को अच्छी तरह से कॉम कर लूँगी। तो अभी मैंने अपने हेयर को स्ट्रेट करना स्टार्ट कर दिया है। ये बहुत ही ज़्यादा इजी है यूज़ करने के लिए, बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल है, आप देख सकते हैं। और ये बहुत ही जल्दी स्ट्रेट हो जाती है, आपको बार बार प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप देख सकते हो। तो इसी तरह से आपको स्ट्रेटनिंग करनी है। पहले मैं अपने हाफ साइड स्ट्रेट करूंगी और उसके बाद दूसरी साइड। तो अभी मेरी हाफ साइड की स्ट्रेटनिंग बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है और आप देख सकते हैं दोनों साइड की डिफरेंस। और आप देख सकते हैं मेरी हाफ साइड की हेयर मुझे बहुत ही ज़्यादा सिल्की स्मूथ और मैनेजेबल लग रही है। तो अभी मैं दूसरी साइड की हेयर को भी अच्छी तरह से कॉम कर लूँगी और इस साइड पे भी मैं अच्छी तरह से एलोवेरा जेल को अप्लाई कर लूँगी। तो अभी मैं इस साइड को भी अच्छी तरह से स्ट्रेट कर लूँगी पहले की तरह, और अच्छी तरह से टैंगल को रिमूव करके ही आपको स्ट्रेट करनी है, तभी जो आपकी स्ट्रेटनिंग की प्रोसीजर होती है, वो अच्छी तरह से होती है। तो इस तरह से आपको स्ट्रेटनिंग करनी है। तो अभी मेरी स्ट्रेटनिंग की प्रोसेस बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है और आप देख सकते हैं मेरी हेयर कितनी ज़्यादा स्मूथ, सिल्की और मैनेजेबल लग रही है। तो अभी मैं आपको पीछे की साइड से भी दिखाऊंगी कि कैसे लग रही है मेरी हेयर। आप देख सकते हैं मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, इसकी जो रिज़ल्ट है बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अच्छी लगी होगी वीडियो, अच्छी लगी हो तो वीडियो पे जरूर लाइक करना, मेरी वीडियो को शेयर करना एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल।